हम अपनी उनको रोते हुए देखी तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा। वैसे तो मैं सीरियसली बता रही हूँ, जब से वो मेरे कैरेक्टर के बारे में बोली है मुझे बिल्कुल वीडियो देखने का मन नहीं कर रहा। बट या मैं अपने सब्सक्राइबर को बोल के रखी हूँ, ऐसा कुछ अगर मेन कुछ ऐसा लगे ना कि हाँ कुछ बताने लायक हो तो आके मुझे बता देना। तो किसी ने क्लिप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया एंड मुझे मुझे भेजा गया कि देखो ये रो रही है। तो क्यों रो रही है? वो हम लोगों को 6 मंथ से टॉर्चर की, 6 मंथ से टॉर्चर किए जा रही है, किए जा रही है। जब हम लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे थे तो वो क्या कर रही थी पता है? वो ना इतने गंदे इस पे उतर आई थी ना, वो क्या कर रही थी पता है? हम लोग जो क्रंच कर रहे थे तो जैसे फेस जैसे बनाते हैं ना क्रंच करते वक्त, तो कभी आंख बंद हो जाता है एंड कभी अजीब सा रिएक्शन, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने वीडियोस में डाल रही थी। और वो इतना खराब लग रहा था देखने में, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग क्रंच करते, ऐसा लग रहा था कि हम लोग कुछ दूसरा ही चीज कर रहे हैं। वो ऐसे इस हद तक आ चुकी थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और हाँ, मैं आज अपना चेहरा नहीं दिखा रही क्योंकि मुझे बहुत आलस आ रहा है। मैं ये वीडियो लेटे लेटे शूट कर रही हूँ क्योंकि ना, जब हमारे दिमाग में कुछ आ जाए तो मेरे ख्याल से वीडियो बना लेना चाहिए, फिर वो सारा चीज़ ड्रॉप आउट हो जाता है। तो जिसको आप लोग नन्ही मुन्नी छोटी मोटी बच्ची समझ रहे हो, वो बच्ची नहीं है, वो सबकी नानी है। ठीक है, कह रही है 6 महीना से मैं टॉर्चर कर रही थी। अरे 6 महीना से मैं यही बोल रही थी कि जो तुम मट्टी खा के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है ना, ये काम बंद कर दो, बंद कर दो। पर नहीं माना, मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। इनको तो सब सही लग रहा था कि जो भी ये कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। और घमंड इतना था ना, इतना घमंड था इन लोगों को कि कोई हमें कुछ नहीं कर सकता, हम तो दुनिया में सबसे अच्छा काम करते हैं। और जब मैं इस पर बात कर रही थी तो ये शायद 4,500 सब्सक्राइबर पे थी और मैंने यही बोलना शुरू किया। और लोग एहसान तो मानते नहीं हैं मेरे बोलने की वजह से। इतनी जल्दी जल्दी ये आगे बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई और मुझे चैलेंज कर रही थी। तो मैंने बोला गिरने का मज़ा तो ऊंचाई से ही आएगा, और हुआ भी, गिरी भी। लेकिन गिरने के बाद क्या होता है ना, ऊपर का माला थोड़ा सा खाली हो गया बेचारी का, तो बौखलाहट में बके जा रही है। और फिर हम तो उनमें से हैं ना, कोई हमको बकता है तो हम भी नहीं छोड़ते भाई, हम तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, छोड़ने वालों में से हम भी नहीं हैं। तो जो ये बोल रही है कि ऐसे ऐसे मैंने फ़ोटोज़ लिया जब ये लोग क्रंच कर रहे थे, क्रंच नहीं कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे। ओ माय गॉड, रियली मेरे तो दिमाग में नहीं आई ये बात, लेकिन इसके दिमाग में आई क्योंकि इसने अपने आप को देखा होगा ना कुछ और करते समय अपने फेसेस को, तो इसको याद आ गया होगा, वही सब चीज़ें इसको याद आ गई होगी, है ना, कि हाँ ये वाला फेस तो मेरा उस फेस से रिसेम्बल करता है, इसको ये चीज़ याद आ गई होगी। तो बताओ, हमने तो कुछ नहीं बोला, हमने तो क्रंच करते समय ये दिखाया कि कितने गंदे फेस लगते हैं, इनके दांत कितने गंदे लगते, मिट्टी में इतने बुरे लगते, हम तो ये दिखाना चाह रहे थे। पर भाई जो जो देखना चाहती है वही तो देखेगी ना, तो इसको कुछ और देखना था तो ये कुछ और ही देखेगी, ये कहाँ से कुछ अच्छा देख सकती है। हम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे तब, हम लोगों को कोई मतलब नहीं था, हम लोग अपना चैनल था तब, हम लोग नहीं रो रहे थे। बट अभी मुझे लगता है 1 मंथ भी नहीं हुआ है, मुझे 1 मंथ भी नहीं हुआ उस पर वीडियोस बनाए हुए। अब हम लोग जब अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किए, जब वही उन पे किया गया तो वो रोना धोना स्टार्ट कर ली। यार देखो, जब खुद पे वो चीज़ सहने का शक्ति ना होना, मैं तो खैर फिर भी बच्ची हूँ, मैं तो फिर भी अपने चैनल्स के लिए रोई थी। आप मुझे इतना टॉर्चर की मुझे रोना नहीं आया, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं। आप रो रहे हो, सीरियसली रो रहे हो आप? और वो क्या बोलती है, किस मुंह से यार, किस मुंह से वो बोली है कि मैं साइबर वाले को कंप्लेन करूंगी? वो सच में क्या, नहीं टीचर का मैं नेम ही नहीं लूंगी, आई डोंट थिंक वो टीचर कभी थी भी मुझे। अरे भाई, तुझे कोई सब्सक्राइबर ने कुछ नहीं बताया? तुझे तो तेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे, जहाँ तुम कॉन्स्पिरेसी करती रहती हो, अब क्या करना है दी, बताओ अब मैं क्या गंदा बोलूँ, अब मुझे और गंदा बोलना है ना। तो ये गंदा बोल के ना तुम्हारा चैनल तो वापस नहीं आएगा, पर तुम कितनी गंदी मछली हो ना ये ज़रूर दिखता है। मैं तो सोच रही हूँ जब इनके फ्रेंड्स की मम्मियाँ ये सब देखती होगी ना कि ये कितनी बड़ी वो है,
तो कहती होंगी अपने बच्चों से, अरे भाई उस पत्थर खाने वाली लड़की से दूर रह, तुम लोग भी पत्थर खाने लगोगे या तो तुम भी ऐसे ही घूमने लगोगे बॉयज़ के साथ, यही बोलते होंगे। और हाँ, मैंने इनको टॉर्चर किया, भाई मैंने तुझे कब टॉर्चर किया है, मैंने तो बड़े प्यार मोहब्बत से तुझे समझाया बताया सब कुछ किया, लेकिन तेरे को घमंड सातवें आसमान पे था, व्यूज़ का घमंड, सब्सक्राइबर का घमंड, अभी भी घमंड नहीं जा रहा भाई, अभी भी इसको कितना घमंड है कि मेरे इतने व्यूज़ आते हैं इनके व्यूज़ नहीं आते। तू जब बोलती है कि मेरे व्यूज़ नहीं आते तो भी तुझे तेरी फटी पड़ी है, तो भी तेरी ऐसी तैसी हुई पड़ी है, तेरी यानी तेरी पूरी क्रंच वर्ल्ड की ऐसी तैसी क्यों हुई पड़ी है भाई, मुझे बता दे क्यों परेशान है तू मेरे 1-2 हज़ार व्यूज़ से, कभी कभी तो मेरे व्यूज़ ही नहीं आते फिर भी तेरी वाट लगी पड़ी है, तेरी तो बड़ी बड़ी स्टार है, तू तो बहुत बड़ी वो है, फिर क्यों तू परेशान है, फिर क्यों तेरे बॉयफ्रेंड से लेके तेरी फ्रेंड, तू खुद सब फेक आईडीज़ बना बना के मेरे चैनल में भौंकने क्यों आते हो, बताओगी ज़रा मुझे प्लीज़। और क्या कह रही थी मेरे रोने के लिए, तो वो तू नहीं समझेगी क्योंकि क्या है ना, तुम जानती ही नहीं हो कि कैरेक्टर क्या होता है, इज्जत क्या होता है, ये तुमको दूर दूर तक इन चीज़ों से वास्ता ही नहीं है, तो तुम मेरा रोना नहीं समझोगी, आई बात समझ में। हाँ, तुमको पैसे की समझ है कि पैसा हाय पैसा हाय पैसा, तो तुम जब तुम्हारा चैनल उड़ गया ना तो तुम उस बात पे रो सकती है, क्योंकि तुम्हारा वो पैसे से मतलब है, तुम्हें इज्जत इज्जत से कोई लेना देना नहीं है, इज्जत इज्जत तो तुम खुद ही आके अपनी उड़ाती रहती हो, खुद ही अपनी वाट लगाती रहती हो, तो तुमको दूर दूर तक मेरा रोना कभी ज़िंदगी में नहीं समझ में आएगा, आई बात समझ में। मतलब वो थोड़ी सी पागल सही में, साइबर वाले को छोड़ो, साइबर वाले को आप बाद में जाना, जाके पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो, ठीक है आपको डॉक्टर। ओहो, तो मेरी चिंता छोड़, तेरी जैसी दिमागी हालत है ना, तो मुझे तो लग रहा है कि डॉक्टर की ज़रूरत तुझे है, पहले तो तू डेंटिस्ट के पास जा, अपने दांतों पे एक हथौड़ा फिड़वा ताकि वो थोड़ा सा अंदर जाए, है ना, और फिर तू अपना साइकाट्रिस्ट के पास जा, तेरे पागल दिमाग का वो इलाज कर सके। टीचर, तू टीचर के बारे में बात ही मत कर, है ना, मुझे तो लगता भी नहीं है तेरी शक्ल को देख के, तेरी बातों को सुन के कि तूने कभी स्कूल का चेहरा भी देखा होगा, तुझे तो टीचर क्या है तुझे ये ही नहीं मालूम है, है ना, कोचिंग के नाम पर भी न जाने कहाँ फिरती रहती है, तो तू टीचर के बारे में बात ना कर, वही अच्छा रहेगा तेरे लिए। बहुत ज़रूरत है इसकी, ठीक है, आप जो ये रो करके सिंपैथी गेन करना चाहते थे ना कि रोऊंगी तो कुछ सब्सक्राइबर आएंगे सिंपैथी, ना 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 ना, इससे ना ये दिखने आया कि आप जब दूसरे को कर रहे थे तब आपको कुछ नहीं लग रहा था, तब आप बहुत मस्ती रिले करके हाँ हाँ करके चाय पी पी करके लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, तब कुछ आपको नहीं लग रहा था, हम लोग अपने लिए जब स्टैंड लेना स्टार्ट किए तो आप रोना धोना कर रहे हो, हाँ कोई सिंपैथी, वही 4 सपोर्टर्स आपके आएंगे फिर से गालियाँ देंगे हम लोगों। ओहो, मेरे 4 सपोर्टर से तुम्हारी फटी पड़ी है, ओहो हो, और सिंपैथी विम्पैथी तुम क्या जानो यार, तुमको सिर्फ सिंपैथी डॉलर्स, तुमको सिर्फ यही सब बातें आती है, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुम्हारे जीवन में ना सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, पैसे के लिए ही तुम सारा काम करती हो ज़िंदगी में, तुम्हारे को अब तुम्हारा कोई मोटिव भी नहीं है, बच्चों का मोटिव रहता है पढ़ना है, ये डिग्री हासिल करना है, वहाँ जॉब करना है, पर इसका मोटिव है मुझे मिट्टी खाना है और मुझे लोगों को मिट्टी खिलाना है, और फिर ये काम भी नहीं जब होगा तो मुझे गाली गलौज करना है। एंड साइबर वाला इतना नल्ला नहीं बैठा हुआ है, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत नल्ला नल्ला बोलते रहते हो ना आप लोग, सबको आप बोलते रहते हो, तो आप साइबर वाले को भी वही समझे हो क्या, हाँ कि आप साइबर वाले को कंप्लेन करेगा एंड साइबर वाले आएंगे बोलेंगे अरे कहाँ है जया, कहाँ है अंजलि, चलो 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 चलो, पागल हो, हाँ हम लोग के पास, हम लोग तो यहाँ पे कुछ देखो, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या, मेरा सी टाइप का कुछ करके लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, हमने तो नाम तक नहीं लिया किसी का, पर चोर को मालूम है ना हम चोर हैं, तो अपना नाम खुद ही ले लिया, इनको अपने आप ना भविष्यवाणी हो गई कि इनके खिलाफ़ ही मैंने डाला होगा जो भी मुझे डालना है, FIR जो भी करना है,
तो इनको अपने आप ही ब्रह्म ज्ञान हो गया है ना। तो इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। हमने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, पर चोर जो होते हैं ना उन्हें सब पता होता है कि हमने क्या करा है, क्या कारनामे करे। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम एक गंदी मछली हो जो पूरे तालाब को गंदा कर रही हो। अरे तुमने पूछा कि सी लिखा हुआ है क्या, और खुद ही जवाब दे दिया नहीं ना। अरे लिखा है तेरे रोम रोम पे सी ही लिखा है, सी सी सी, ठीक है, तेरे रोम रोम में सी लिखा, तेरी बातों में सी लिखा, तेरी जीप पे सी लिखा, तू सी। और है ना साइबर वाला नल्ला है कि नहीं नल्ला है, जो दो गंदगी मचाने के लिए जो दो लोग आए थे ना, बेटर होगा उनसे पूछ लो तुम, जरा उनसे पूछो तो ज़रा उनकी वीडियोस कहाँ आ गए। अब वो लोग ये बोलेंगे कि हमको ना लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, झूठ। उनसे पूछो उनका वीडियो कहाँ गया, तब पता चलेगा साइबर वाला नल्ला है कि नहीं नल्ला है। और सी तो तुम हो ही, तो आज से इसने अपना नया नाम रख लिया है सी, सी फॉर या। तो वैसे ही साइबर वाले भी ना आएंगे, सब कुछ देखेंगे कि पहले कौन स्टार्ट किया। भाई हम लोग तो अपना क्रंच कर रहे थे। अगर देखो अवेयरनेस का मीनिंग अब मैं बताती हूँ, आपको अवेयरनेस मिट्टी पे करना था, ठीक है, ना ही किसी के बॉडी शेमिंग पे जाना था, ना ही किसी का स्क्रीन रिकॉर्ड करके स्क्रीनशॉट लेकर अपने वीडियोस में डालना था कि वो ऐसे करके आंख बंद कर रही है, आंख बंद करके खा रही है, उसका पति नल्ला है, उसका उसका भाई, उसका जो भी, ये सब नहीं करना था। अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप मिट्टी खाने का ये बताओ कि मिट्टी खाने से आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होगी, आप वो बताओ कि आगे चल के क्या होगा। वाई ओनली आई एंड अंजलि दीदी एंड राधे दीदी, राधे कलेक्शन इनका जो सेलर है, क्यों आप तो बोले कि कम्युनिटी गाइडलाइंस आया है। तो यहाँ पे पता चल गया कि ये किसकी एजेंट है, इसने अपने आप ही नाम ले लिया कि किसकी एजेंट बनकर ये आई हुई है। और भाई साइबर सेल वाले ने तुम्हें क्या लगता है सब कुछ देखा नहीं है, सब देख लिया और बोला वाह मैडम बड़ा बढ़िया काम किया है आप, अकेली ने इन गंवारों को, इतने गंवार इतने जाहिल लोगों से आप अकेली ही भिड़ी पड़ी हो, बहुत अच्छी बात है, आप तो बस हमें URL दे दो और सारी बातें हम पर छोड़ दो, ठीक है। तो तू जो समझती है ना कि साइबर वाले नल्ले हैं, कोई नल्ला नहीं है, सबसे बड़ी नल्ली तो तू है YT पर, नल्ली 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 निब्बी तू है, टट्टी खा खा के लोगों को दिखाती फिरती है कि मैं टट्टी खा रही हूँ तुम लोग भी खाओ, टट्टी में बड़ा स्वाद है, अच्छा है टट्टी, रात दिन टट्टी 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 करती रहती है। भाई तो हजार चैनल अभी हैं जो कि हम लोग से आगे बढ़े हुए हैं। मैं रुको यहाँ से चले जाती हूँ, बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है अभी ना। बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि वीडियोस बनाए जा रहे हैं डायरेक्ट क्रंच व्लॉग के साथ, सब कुछ बनाए जा रहे हैं। उनका चैनल नहीं बंद हो रहा, उनके लिए कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं आया। कम्युनिटी गाइडलाइंस किसके लिए आया था, मेरे लिए और अंजलि दीदी के लिए, जिसका चैनल डिलीट हो चुका है। इसीलिए बोलते हैं ना जब आपकी पढ़ने लिखने की उम्र होती है ना तो पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए। तो ये नल्ली निब्बी कुछ नहीं जानती है, गाइडलाइंस की बातें कर रही है, तो तू तो ये बात जाके YouTube से लड़ाई लड़, तेरा चैनल रातों रात तो नहीं उड़ा होगा ना, तुझे YouTube ने एक मेल वगैरह भेजा होगा, तो YouTube से बोलती तू जाके कि भाई मुझसे भी ज़्यादा है चैनल, मुझसे ज़्यादा मट्टी खाते लोग, मुझसे बड़े बड़े चैनल्स है उनको उड़ा, उनके लिए गाइडलाइंस नहीं है हमारे लिए है, उधर बोलती तो कुछ होता भी। अब यह फकीर के फकीर बनी फिर रही है, आई है इधर सबकी चड्डी गाँठने, तो चड्डी गाँठेगी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जाके YouTube वालों की चड्डी गाँठ। तो टारगेट किया गया था हम लोग दोनों को और हम लोग दोनों का चैनल डिलीट हो चुका है और किसी का डिलीट नहीं हुआ। जैसे कि मैं नहीं चाहती उसका डिलीट हो, मैं बस बोल रही हूँ, जैसे एंटरटेनमेंट ब्लॉग हो गया, ईटिंग स्ट्रीट ब्लॉग्स, कम से कम मेरे को लगता है वो 4 साल से वीडियोस बना रही है क्रंच, एक सिर्फ हम लोग नहीं सब लोग कर रहे, लेकिन जुबान पे सिर्फ मैं और अंजलि दीदी क्यों, और आज आकर के आप अपने लाइफ में रोना धोना कर रहे हो, सिंपैथी गेन कर रहे हो,
इसको बोलते हैं द रियल कर्मा। ठीक है, आप रुलाए हो पास्ट में इसलिए आपको रोना पड़ रहा है। और ये क्यों बोली है कि मैं साइबर वाले को बोलूंगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है साला। 6 मंथ से टॉर्चर किए जा रही है, तो साइबर वाला आकर के बोलेगा अरे नहीं नहीं आप तो अवेयरनेस कर रहे थे। फ्रेंड्स इसकी कितनी फटी पड़ी है देखो तो, हर बार साइबर 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 लगाए, ये दिखाता है कि इनकी फटी पड़ी है, इतनी फट गए ना ये लोग, बौखला गए हैं। तो तू चिंता मत कर, साइबर वाला खुद देखेगा कौन क्या कर रहा है, तू तो बस अपनी मट्टी चबा और खा और गंद मचा, है ना। और सिंपती सिंपती की बात तो तू करी मत, तू भी आई थी ना सबसे भीख मांग रही थी, मेरा प्लीज़ अपनी कम्युनिटी पे लगा दो, मुझे प्लीज़ मेरा शेयर कर दो, मेरी कम्युनिटी पे लगा दो। तू भी सिंपथी गेन करने आई थी, लोगों ने दया खा के तरस खा के तुझ पर लगा दिया, चैट सब्सक्राइब कर लिया फिर से वापस, और तू उनको सबको बेवकूफ़ बना रही है। बेचारों ने मट्टी के लिए तुझे सब्सक्राइब कर रखा है, तू उनको यहाँ पे गाली गलौज सिखा रही है। जब ये हम लोगों के भैया को, हम अजय दी के हस्बैंड को नल्ला बोल रही थी, तब तब इसमें साइबर बुलिंग का कुछ कुछ नहीं था, ये अवेयरनेस कर रही थी। और जब हम लोग इनके बात पे आ गए तो ये रोना, रोने का बात रहा ना तो अभी आधे घंटे और 10 घंटे रो करके दिखा दूंगी, ठीक है, फिर साइबर वाले को हम लोग ये बोल सकते हैं। बागड़ बिल्ली छुछुंदरी कर्मा की बात कर रही है, तू अभी 18 साल की है और तुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुझे कुछ भी नहीं होगा, तूने तो संजीवनी बूटी खा ली है, तुझे तो यही लगने लगा है ना। अभी तेरे कर्म कितने फूटेंगे ना तू देखना। मैं तो भगवान से मनाती हूँ कि तेरे साथ तो ऐसा हो ना कि मेरी तो आधी आँख खुलती तेरी पूरी ना खुले, तेरी चमड़ी भी ऐसी ही हो जैसी मेरी हो रही है ना, क्योंकि तू भी मुझे कोसती है ना, तो मैं भी तुझे बोल रही हूँ ये चीज़। बोलना नहीं चाहती थी मैं, बिल्कुल बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन ना मुझे फ्रेंड्स इन लोगों ने इतना मजबूर किया है ना ऐसे बोलने के लिए कि मैं कह नहीं सकती कुछ। ओहो इसका मतलब जो ये रो रो के दिखाती है वो फेक रो के दिखाती है, अपने मुँह से कह रही है कि ये आधे घंटे भी झूठ मूठ का रो सकती है। ओहो देख लिया कितने झूठे हैं ये लोग यार, इन लोगों के तो आंसू भी झूठे हैं इनके जैसे ही। छोड़ो साइबर वाले को, डॉक्टर के पास जाओ, दिमाग ठीक करवाओ एंड फिर आना अपने YT पे फिर से वीडियोस बनाने के लिए। एंड मेरे को पता है ये साइबर साइबर वाले का नेम ले रही है, लग रहा है वो नल्ला बैठा हुआ है उसको भी नल्ला समझ रही है। क्या बोल रही थी मैं, अरमान में बह गए हम वफा करके भी तन्हा रह गए। तुझे साइबर वालों से डर नहीं लग रहा तो तू कितनी परेशान है, इसकी हंसी से पता चल रहा है कि इनकी तो बौखलाहट, पागल हो गए ये लोग, इनकी फट गई है बुरी तरह से, अब बस सिलाई मारने की देरी है इनको। तो तुम लोग चिंता ना करो, बिल्कुल चिंता ना करो, तुम लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना, YT पे क्रंच कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, करते रहो ना, कैरी ऑन कैरी ऑन। कुछ नहीं होने वाला, ये फिर से ये कल रोई हैं एंड फिर से ये स्टार्ट करने वाली है। देखो ना बस 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ अभी बस, और फिर से इसका स्टार्ट होने वाला है, फिर से वही दूसरे को गालियां देगी, दूसरे को ये करेगी। चलो भगवान करे अभी भी इसे समझ में आ गया हो कि अगर दूसरे के बाद, दूसरे को बोलने में ना कुछ नहीं लगता, जब खुद पे वो चीज़ पड़ती है ना, खुद पे वो चीज़ तब पता चलता है। चलो अभी भी अगर मति बुद्धि आ गया हो ना उस औरत को तो बढ़िया रहेगा। चलो जा रही, अगर रोने से सिंपैथी गेन होता है ना तो मैं अगला वीडियो रोने का बना दूंगी, ठीक है, 10 घंटे के लिए। बाय। तो आज से ये क्लियर हो गया कि जो ये नल्ली निब्बी जो रोती है ना, तो नल्ली निब्बी सिर्फ लोगों को चूतिया बनाने के लिए रोती है, लोगों का चूतिया काट रही है ना नल्ली निब्बी। तो नल्ली निब्बी तुझे दिख रहा है कि तेरी कितनी फट गई है, नल्ली निब्बी बेचारी हैं इतनी नौटंकी करके बेचारी, जैसे तैसे सब्सक्राइबर बढ़े थे, अब नल्ली निब्बी को ये सब करना पड़ रहा है, बहुत दया आ रही है मुझे नल्ली निब्बी पे। नल्ली निब्बी तेरा चैनल उड़ गया, 1 2 3 4 ना जाने कितने चैनल उड़ गए, तो भी तेरे को एक कौड़ी की शर्म नहीं आई, बेशर्म की बेशर्म बनी फिर रही है।
तू जानती है तेरा ना विदाउट फिल्टर फेस भी कोई थूकने भी नहीं आएगा। और हाँ यार, किसी ने चैनल भी बनाया है विदाउट फिल्टर, इसको देख लोगे ना आपको सर चकरा जाएगा। विदाउट फिल्टर इसको कोई अगर इसका चेहरा देख लेगा तो, कि लोग कितना, मतलब उससे पता चलता है मालूम कि इसकी कितनी नुकसानदायक है ये मिट्टी। ये लोग फिल्टर लगा लगा के आप लोग को दिखाते हैं कि नहीं, मिट्टी खाने से तो बहुत अच्छा है, कुछ नहीं होता, मिट्टी तो बहुत बढ़िया होती है। चलो फ्रेंड्स, अभी इसका एक और वीडियो पड़ा है, उसका जवाब देना है मुझे। और अभी अगर ये और कुछ बनाती है तो उसका भी जवाब इसको मिलेगा। ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, हम किसी से कम नहीं। बाय बाय, टेक केयर, नलिन बेटा खा।